मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि एनआईए को अपने इस मिशन 56 में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की गई है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में हुई है। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े जो लोग हैं उनके घर पर यह कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार, 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। देश में विदेशी साजिश में शामिल लोगों के घरों पर रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई। सरहद पर साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंक के आकाओं पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 56 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में की गई इस छापेमारी में एनआईए ने आतंकी साजिश से जुड़े कुछ बेहद अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। सुबह करीब 5 बजे से ही एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने संदिग्ध इलाकों पर अपनी दबिश देनी शुरू कर दी। दरअसल एनआईए की खुद की रिपोर्ट पर कुछ महीने पहले जमात इस्लामी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने सबसे बड़े छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम में एनआईए के 5 SP और 150 के करीब अधिकारी शामिल थे। इस रेड को किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जैसे जिलों में अंजाम दिया गया। एनआईए ने इस मामले से जुड़ा केस 5 फरवरी 2021 को रजिस्टर किया था। जमात इस्लामी नाम के जिस संगठन से जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उन पर आरोप है कि ये लोग सरहद के भीतर और बाहर से जकात, मौदा और बैतुल मल के रूप में चंदा इकट्ठा करते थे। इस चंदे को इकट्ठा करने के दौरान बताया जाता था कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि इस फंडिंग का इस्तेमाल ना सिर्फ घाटी में हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था बल्कि इस फंड को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इकट्ठा किया जाता था। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंकी आग में झोंकने का भी काम करता था। यही वजह थी कि साल 2019 में ही जमात इस्लामी नाम के इस संगठन को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रहीं।